पता है, यहाँ सुबह सुबह छत पे आना काफी अच्छा लगता है। आदर्श तुम्हें पता है यहाँ छत का नजारा कितना अच्छा है। एक तरफ से देखो ना तो मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद। एक तरफ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और दूसरी तरफ मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। माँ मुझे अब नमाज पढ़ने जाते तो मैं यहाँ छत पर आती हूँ और फिर वो वापस आते हैं तो मैं इनके लिए चाय रेडी रखती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ एक आध घंटे सोने की। पता है मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? Because I'm gonna miss this place. कल से पता नहीं। I know, स्वाहिंता। तुम क्या कह रही हो? एक लड़की अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ कर आती है, एक नया घर, एक नई दुनिया बसाने। लेकिन मैं तुम्हें इतना यकीन दिला सकता हूँ कि जब तुम इस घर में नई दुनिया और नया घर बसाने आओगी ना, तो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। I promise you. अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, हम दोनों के लिए दुआ मांगनी है। अरे एक मिनट एक मिनट, तुम अपनी छत पर रहकर दुआ करो और मैं यहाँ अपने रूम में। आफ्टर ऑल हम एक ही चीज तो मांग रहे हैं, अपनी खूबसूरत जिंदगी। इन फैक्ट मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि आज का दिन हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला, तो क्यों ना हम दुआ करें कि आज के दिन का हर एक लम्हा एक साथ जिए। Alright, Mr. Sinha. I'll see you. Bye. Jiyo. वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। दरअसल नमाज पढ़ ले पहले। या अल्लाह, मेरी बेटी की शादी है आज। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा, हिफाजत कीजिए उसकी, मेरे शहर की हिफाजत कीजिए, मेरे मुल्क की हिफाजत कीजिए। जिस खतरे के आसार नजर आ रहे हैं उस खतरे को टाल दीजिए, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। या अल्लाह।
कर्नल का फोन आया था रात। वो तुम्हारी हिफाजत को लेकर काफी परेशान है। कह रहे थे कि तुम्हारा और इस मिशन का कामयाब होना फोर्स के लिए बेहद जरूरी है। मुझे पता है बिलाल मियां, हमारे मुल्क के लिए हिंदुस्तान की बर्बादी बहुत जरूरी है और यह बर्बादी होगी। हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, आज ही मिलेगी। तुम्हारा गुस्सा देखकर इतना तो समझ में आ ही गया है कि आज रात को दिल्ली में दिवाली होने वाली है। आराम भैया, इन धमाकों के बाद इन दोनों उठाई गिरोह का क्या मतलब? ये दोनों चूहे यहां रहेंगे या वापस जाएंगे? जिंदा रहेंगे तभी ना वापस जाएंगे। जिंदा चूहों का काम है बोरियों में सुराख करना, और मुझे ऐसा कोई भी चूहा नहीं चाहिए जो उन बोरियों में सुराख करे जहां पे हमारे राज बंद है। मार दूंगा उन्हें। सिर्फ इसलिए आया था तुझे पूछने कि कोई काम वाम पेंडिंग है कि नहीं तेरा, पार्लर शालर का, टेलर वेलर का, धोबी शोबी का? अगर है तो अभी बता दे, क्योंकि बाद में बंदा बिजी होने वाला है। अरे मामू हाँ आइए ना। Not funny, okay? चल, see you at मंडप, bye. Sure. Late हुआ ना तो मत आना। Oh hello, मैं कभी late नहीं होता, ठीक है? और वैसे भी तेरी शादी मेरे बगैर हो तो नहीं सकती, क्योंकि after all कन्यादान तो मुझे ही करना है। चल, bye. सुन। सुना? रुक। क्या हुआ? Statue. ये तेरे लिए। ये क्या? मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हर मंथ अपने सैलरी से तेरे लिए। तू पागल है क्या? Well, definitely यार, तेरी बहन जो after all, रख ले, ऐश कर। फ्रीडम, शादी के दिन पे दुल्हन को अपनी कॉस्ट्यूम्स, अपनी ज्वेलरी के अलावा कोई सोचता नहीं है। एक तू है, तुम मेरा इकलौता भाई है, तू सोचना तो पड़ेगा ना। सेंटी मत हो तू, ऐश कर, जा। हाँ अरविंद। अरे भाई मेरे पास प्लेन नहीं है, सिर्फ एक स्कूटी है यार। मैं तुझे फोन करता हूँ 2 मिनट के अंदर। हाँ आम पापड़ चाहिए था यार, ऐसे घूर क्या रही है? टेंशन हो रही है ना मुझे, तू जाने वाली है। ठीक है, बोला ना तो सेंटी मत हो, दे रही हूँ। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही है यार? कोई नहीं, मैं शाम को लेकर आऊंगा ना, एक बड़ा डब्बा लेकर आऊंगा, फिर तेरी विदाई के वक्त दोनों भाई बहन मिलकर खाएंगे। फ्रीडम, बाय। गुड बाय। हास्ता ला विस्ता बेबी।